हाँ दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैराथन करंट अफेयर की सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 13 की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी से नवंबर तक की, या कहें अब इस सीरीज़ को बढ़ाकर मैं दिसंबर भी कंप्लीट कराऊंगा, तो जनवरी से दिसंबर तक की यानी पिछले पूरे साल भर की करंट अफेयर में 1000 महत्वपूर्ण वन लाइनर को हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 13 की। तो बाकी के पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दोस्तों आयोजित किया गया कोलकाता में। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल होता है दोस्तों। 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ये आयोजित कराया गया था, ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों राइजन इंडिया। क्या थी थीम? राइजन इंडिया थी इसकी थीम। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने अपोनार अपोन घर योजना शुरू की? तो असम राज्य सरकार ने दोस्तों अपोनार अपोन घर योजना शुरू की है। ये योजना क्या है? ये योजना दोस्तों एक लोन सब्सिडी योजना है, होम लोन सब्सिडी योजना। इसमें 5 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक के जो होम लोन होंगे उन पर सब्सिडी दी जाएगी असम सरकार द्वारा, ओके? अगला है, 2019 में IMF का अध्यक्ष किसे बनाया गया? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा ये कहाँ की हैं? बुल्गेरिया की हैं। कभी कभी दोस्तों ये पूछा जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके जो हेड होते हैं वो किस देश से हैं, ये पूछा जाता है। जैसे एंटोनियो गुटरेस जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये पुर्तगाल के हैं। ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो हेड हैं वो किस देश से हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखते चला कीजिए। अच्छा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा ये तो बन गई हैं IMF की अध्यक्ष। इससे पहले क्रिस्टीन लिगार्ड थी। क्रिस्टीन लिगार्ड अब कहाँ चली गई? अब चली गई यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष बन गई, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो राजा भोज मेट्रो रेलवे हो जाएगा भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदल करके, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में ही दोस्तों ई कचरा क्लिनिक खुला है। क्या खुला है? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ई गार्बेज कैफ़े अलग है, ई कचरा क्लिनिक अलग है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ई गार्बेज कैफ़े जो होता है वो खुला है छत्तीसगढ़ में। उसका सिस्टम ये है कि अगर उसमें कचरा ले जाकर कोई देता है 500 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, तो फिर वहाँ पर उसको भरपेट भोजन दिया जाता है और नाश्ता दिया जाता है। तो वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में खुला है पहला वाला, लेकिन ये ई कचरा क्लिनिक जो है ये भोपाल में खुला है। आप लोग कन्फ्यूज़ मत हुआ कीजिए, कुछ लोग कमेंट किए थे इस पर। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो काजिंद 2019 दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ठीक है। कहाँ पर हुआ ये? ये हुआ पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये हुआ, अक्टूबर में ही ये हुआ था, ओके। काजिंद से हम लोग याद रख सकते हैं देशों का नाम, जैसे कि KAZIND, यानी KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान, IND से इंडिया। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था काजिंद 2019 सैन्य अभ्यास, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला? तो इंफोसिस को दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया है। इंफोसिस के वर्तमान में CEO और MD हैं दोस्तों सलील पारेख, इनका नाम याद रखिएगा। अगला है, 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। ये 7वां इस बार का संस्करण था विश्व हिंदू आर्थिक मंच का, ओके। नेक्स्ट है, 2019 में किस देश की बैंक ने गुरु नानक देव की जयंती पर स्मारक सिक्के जारी किए? तो नेपाल की राष्ट्रीय बैंक ने दोस्तों गुरु नानक देव जी की जयंती पर स्मारक सिक्के जारी किए हैं, ठीक है। ये 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं इसने, 100 रुपये के, 1 1000 रुपये के और 1 2500 रुपये के। तो 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं नेपाल की राष्ट्रीय बैंक ने। अच्छा, पाकिस्तान ने भी स्मारक सिक्के जारी किए थे। और गुरु नानक देव जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे क्योंकि इस बार 550वीं जयंती थी, तो मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी, उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन पर इसकी क्विज भी दी गुरु नानक देव जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनकी, फिर मैंने आपको ऑडियो रिवीजन भी दिया था। तो तीनों के तीनों आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपका गुरु नानक देव जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कवरअप हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार 550वीं जयंती थी। अगला है, महात्मा गांधी फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित हुआ दोस्तों महात्मा गांधी फिल्म फेस्टिवल।
अच्छा, इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी, इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए महात्मा गांधी जी से भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, इस वजह से इनको भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस पर आपको वीडियो देने के लिए कहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो कोशिश करूँगा, वरना आप लोग कर लीजिएगा, कोई एक पेज लीजिएगा, उस महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको याद हों या फिर जहाँ पर कहीं से भी आप लोग ढूंढ पाओ उसको एक जगह लिख लो। अगर आप लोग इस प्रकार से पढ़ाई करोगे कि चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज कर लिया करोगे, तब फिर पढ़ना और याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पॉइंट आप लोग कवर कर पाओगे। तो इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसी वजह से मैं आपको बुक देता हूँ जो मंथली, उसमें हर प्रकार की चीज़ें कैटेगरीवाइज होती हैं, जैसे राज्यों की योजनाएं हो गई, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड चीज़ें हो गया, पुस्तकें, लेखक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गया, राष्ट्रीय घटनाएं हो गया। और इस बार जो मैंने दिसंबर की ई बुक लॉन्च की है उसमें दोस्तों राष्ट्रीय घटनाओं को भी मैंने राज्यवार कर दिया है, यानी जिस स्टेट से जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस मंथ में सबको एक जगह पर, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश हुआ तो आंध्र प्रदेश से 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को एक जगह पर। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बारे में सब कुछ। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे करके जितने भी राज्य आए हैं सभी को एक जगह पर मैंने रखा हुआ है। तो दिसंबर की हिंदी में ई बुक लॉन्च हो चुकी है, इंग्लिश में ई बुक बहुत ही जल्द आप लोग के पास पहुँच जाएगी, ठीक है। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो नीति आयोग ने दोस्तों स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है, इसमें टॉप पर है केरल, केरल है टॉप पर। लास्ट में कौन है? लास्ट में है दोस्तों यूपी। अच्छा, केंद्र शासित अगर प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है चंडीगढ़, ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जितने भी इंडेक्स आते हैं उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की जो लिस्ट होती है उसमें टॉप पर हमेशा चंडीगढ़ ही रहता है। तो मान लो अगर आपको कोई ऐसा सूचकांक पूछा गया है जिसमें आपका आंसर नहीं पता है आपको, तो आप लोग ऐसे भी आंसर कर सकते हो, चंडीगढ़ लगा दोगे तो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? तो SBI बन गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला भारतीय बैंक। अच्छा दोस्तों, SBI ने दोस्तों अभी शुरू किया है 1 जनवरी से ATM OTP सर्विस, तो अब 10,000 से ज़्यादा अगर आप निकालोगे SBI के ATM से तो आपको OTP भी डालना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रशियन ग्रां प्री 2019 की Formula 1 रेस किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, लुइस हैमिल्टन है मर्सिडीज के खिलाड़ी, इन्होंने जीत लिया है रशियन ग्रां प्री, ओके। चलिए अगला है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? KS धतवालिया जी बने हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक। दोस्तों इसमें केवल मैं आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी के अगर मैराथन पार्ट्स आप लोग देखते आए होगी तो आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। चलिए अगला है, 2019 में किसे पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया? तो जय भगवान भोरिया बन गए हैं पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक के प्रशासक। अगला है, 2019 में किस खिलाड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? तो केंटो मोमोटा ने जीता है, किसने? केंटो मोमोटा ने जीता है कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। अगला है, किस भारतीय महिला पत्रकार को मीडिया अवार्ड्स में सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड दिया गया? तो कल्लीपुरी को दिया गया है। कल्लीपुरी कौन है? कल्लीपुरी दोस्तों इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है, किसकी? इंडिया टुडे न्यूज़ आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश न्यूज़ है तो न्यूज़ चैनल की, इसकी कल्लीपुरी जो है वो वाइस चेयरपर्सन है। इनको मीडिया पत्रकारों में, महिला पत्रकारों में सबसे पावरफुल वुमेन का अवार्ड दिया गया है। अगला है, भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में किया गया है दोस्तों भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये चरखा प्लास्टिक के और कूड़े से बनाया गया है, ठीक है। तो ये नोएडा में है, नोएडा में स्थित है और इसका उद्घाटन किया था स्मृति ईरानी जी ने। चलिए अगला है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड नामक बुक किसने लिखी? तो इस बुक को लिखा है संदीप शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है दोस्तों 2 अक्टूबर को, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला है, 2019 में किस देश ने गांधी जी की 150वीं जयंती को चिन्हित करते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किए? तो फिलिस्तीन ने जारी किए हैं। मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में थी गांधी जयंती, इस बार 150वीं जयंती थी, तो इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। और मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है जिसमें महात्मा गांधी जी की पूरी लाइफ को मैंने ब्रीफ किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से उसमें डिटेल में बताया हुआ है। उस वीडियो में मैंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके कवर कराए जाएँ। तो सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन पर जाकर मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है, भारत और नीदरलैंड अतीत वर्तमान और भविष्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया?
तो वीनू राजा मौनी ने किया। किसने? वीनू राजा मौनी। ये कौन है? ये नीदरलैंड में दोस्तों भारत के राजदूत हैं, अम्बेसडर हैं। नीदरलैंड में इन्होंने भारत और नीदरलैंड अतीत वर्तमान और भविष्य नामक बुक का अनावरण किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसने भारतीय शास्त्रीय गायक के किस भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो पंडित जसराज जी के नाम पर रखा है एक क्षुद्र ग्रह का नाम, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार में कहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर नामक मोबाइल अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। एक ये काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर नाम का ये जो मोबाइल हॉस्पिटल है, इसका यूज ऐसे होगा दोस्तों, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में एक वैन टाइप की होगी, ठीक है, ये मूवेबल होगी, पोर्टेबल होगी, यानी कि जैसे ही कोई वहाँ पर बीमार व्यक्ति दिखता है उसको उसमें बैठाया जाएगा और फर्स्ट ट्रीटमेंट की जाएगी, प्राथमिक चिकित्सा उसकी की जाएगी, फिर अगर मामला गंभीर होगा तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। अगला है 2019 में किस भौतिकी के वैज्ञानिक को MP बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो थानु पद्मनाभन जी को दिया गया MP बिरला मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट है 2019 में किस देश ने अब तक के सबसे शक्तिशाली मिसाइल का अनावरण किया? तो दोस्तों चाइना ने किया है अब तक के पृथ्वी पर स्थित सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल का अनावरण। नाम क्या है? नाम है डोंगफेंग 41। क्या नाम है? डोंगफेंग 41 नाम है। इसकी रेंज है दोस्तों 15,000 किलोमीटर और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस वजह से ये पृथ्वी पर अभी तक उपस्थित दुनिया में सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके। अगला है 2019 में किसने दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये, पहली आपको पता होगा दिल्ली से वाराणसी चलती है, दूसरी अब दिल्ली से कटरा चलेगी। कटरा कहाँ पर है? कटरा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर तक चलेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाई है अमित शाह जी ने। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको पता होगा ये भारत की पहली लोकोमोटिव लेस ट्रेन है, ओके। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं दोस्तों सुरजीत भल्ला जी। अभी अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया इसकी अध्यक्ष चेंज हुई हैं, कौन हुई हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बन गई हैं, ओके, तो उनका भी नाम याद रखना है। अगला है 2019 में लॉन्च हुई पुस्तक द टेक विस्परर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जसप्रीत बिंद्रा जी ने लिखा है द टेक विस्परर नाम का बुक। इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है 2019 में किसने BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया? तो कपिल देव ने इस्तीफा दे दिया है। कपिल देव कौन है? कपिल देव ने दोस्तों भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था क्रिकेट का 1983 में, ओके। नेक्स्ट रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी रेलवे सुरक्षा सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा स्टेशन है? तो टॉप पर है जयपुर। रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में जयपुर का रेलवे स्टेशन जो है वो टॉप पर है। अगला है पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपका कई बार रिवाइजन कराया है, तो मैंने बताया था आपको कि राजस्थान का नाम जैसे ही आए आप लोग को 3 तक गिनती लिखना है, 1 2 3। उसके बाद बोलना है राजस्थान जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना, राजस्थान मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना, पहला बना था मणिपुर, और राजस्थान पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बना, पहला दूसरा महाराष्ट्र और बिहार है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने ऊर्जा गिरी अभियान शुरू किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऊर्जा गिरी अभियान शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? बिजली चोरी को रोकने के लिए, ठीक है। अगला है किस राज्य सरकार ने मो सरकार का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है मो सरकार का शुभारंभ। ये योजना के तहत, ये कैंपेन के तहत क्या होगा कि लोगों में सरकार के प्रति उनका भरोसा बढ़ाया जाएगा, ठीक है, सरकार को वहाँ के लोगों से कनेक्ट किया जाएगा। अगला है ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो अमृत लुगुन जी नियुक्त हुए हैं ग्रीस में भारत के अगले राजदूत। नेक्स्ट है देश की पहली निजी ट्रेन कौन सी है जिसे 2019 में दिल्ली से लखनऊ के लिए हरी झंडी दिखाई गई है? दोस्तों ये पहली प्राइवेट ट्रेन है भारत की, तेजस एक्सप्रेस। और दूसरी सबसे खास बात यह है इसकी कि इसमें पहली बार ट्रेन हॉस्टेजेज नियुक्त किए गए हैं, जैसे एयर हॉस्टेजेज होती हैं एरोप्लेन में, वैसे इसमें ट्रेन हॉस्टेजेज नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली से लखनऊ के बीच में ये चलेगी तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट है
100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर दोस्तों 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं भारत की। ओके, अगर हम लोग दुनिया की बात करें तो सना मीर पाकिस्तान की हैं, उन्होंने सबसे पहले ये अचीवमेंट हासिल किया है महिलाओं में। ओके, अच्छा एक बात और, ये तो महिलाओं की बात हो गई, अगर पुरुषों की बात की जाए तो भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले। और अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो शोएब मलिक, इन्होंने सबसे पहले 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, पूरा किए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, 2019 में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2019 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ शुरू नोमैडिक एलिफेंट 2019, ये इस बार का 14वां संस्करण था। नेक्स्ट है, एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो मेजर अब्दुल कादिर खान ने जीता है एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन में प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता? तो बेन स्टोक ने जीता है। बेन स्टोक को क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों अभी इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप जीता है इस बार, आपको पता होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था, उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, बेन स्टोक का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। साथ ही साथ इसके बाद एसेज सीरीज हुआ जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, उसमें भी इनका काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन रहा, तो इस वजह से इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, इंग्लैंड के ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, 2019 में किस राज्य सरकार ने YSR वाहन मित्र लॉन्च किया? इस क्वेश्चन के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे। आंध्र प्रदेश की ये योजना है, जैसे ही YSR का नाम दिख जाए आप लोग समझ लीजिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई में खोला गया पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट। और इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बार NBA का भी पहली बार आयोजन हुआ इंडिया में। नेक्स्ट है, 2019 में कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रोजर बिन्नी को दोस्तों कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, कुछ और क्रिकेट एसोसिएशन के नाम बदले हैं, कुछ और अध्यक्ष बदले हैं, कौन कौन आए हैं, जैसे विजय पाटिल को दोस्तों महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, रूपा गुरुनाथ को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, और रूपा गुरुनाथ क्रिकेट एसोसिएशन भारत की किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। इसके साथ ही मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, और सौरभ गांगुली का नाम आप लोग नहीं भूल सकते क्योंकि BCCI का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, 2019 में कैटरीना जॉनसन ने दोहा में हो रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हेप्टाथलान में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है कैटरीना जॉनसन ने, ठीक है। अच्छा, ये हेप्टाथलान क्या है? हेप्टाथलान वो होता है दोस्तों, इसमें 7 प्रकार के इवेंट्स होते हैं, जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, जेवलिंग थ्रो हो गया, 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर की रेस हो गई, साथ ही साथ शॉट पुट हो गया। तो ये 7 प्रकार के इवेंट्स होते हैं इस हेप्टाथलान में एक साथ, तो उसमें इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। अगला है, भारत में प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण का पहला संयंत्र कहाँ खुला? तो प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण का पहला संयंत्र खुला है दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला है, 2019 में जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019। अच्छा, नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, कौन कौन से जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है प्लस विंबलडन ओपन इन्होंने जीता है, तो दो जीता है राफेल नडाल ने, कौन कौन सा, फ्रेंच ओपन प्लस US ओपन, ठीक है, तो फ्रेंच ओपन और US ओपन जीता राफेल नडाल ने। नेक्स्ट, 2019 में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने जीता चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। नाओमी ओसाका हैं जापान की, अब ये महिलाओं में एक ग्रैंड स्लैम जीती हैं, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन तो जीती जापान की नाओमी ओसाका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी दोस्तों जीती हैं फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी। इसके बाद होता है विंबलडन ओपन को जीता है दोस्तों सिमोना हालेप ने, जो कि हैं रोमानिया की। इसके बाद US ओपन होता है, US ओपन को वियंका एंड्रेस्क्यू ने जीता है, जो कि हैं कनाडा की। अगला है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ? तो भोपाल में दोस्तों स्थापित हुआ देश का पहला ई कचरा क्लिनिक, अभी अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, ठीक है। अगला है,
2019 में किस देश ने मिनट मैन थर्ड नामक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया है मिनट मैन थर्ड नाम का मिसाइल का सफलतम परीक्षण। ये भी एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये चाइना वाली जितना रेंज का नहीं है। इसकी रेंज है 6,750 किलोमीटर का, लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल ये भी है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि किसी एक महाद्वीप से मारा जाए तो दूसरे महाद्वीप तक वो मिसाइल पहुंच जाए, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल। नेक्स्ट है, 2019 में पंजाब के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए? तो विनोद कुमार शर्मा जी पंजाब के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला है, 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीकन लीजेसी नामक बुक किसने लिखा है? फ़कीर हसन ने लिखा है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को चिन्हित करते हुए साउथ अफ्रीका में उनके द्वारा उनकी जो भी कुछ यादें थी उसको इस बुक में इन्होंने कवर किया है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्राम सचिवालय कार्यक्रम शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है ग्राम सचिवालय कार्यक्रम। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत दोस्तों प्रत्येक 20,000 आबादी पर एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा गाँवों में, ठीक है, और गाँव के ही लोग उसमें काम करेंगे और डायरेक्ट जो सरकार की योजनाएं होंगी वो वहां तक पहुंचाई जा सकेंगी, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो दोस्तों ये तो था मैराथन करंट अफेयर की सीरीज़ का अगला पार्ट यानी पार्ट 13। बात करेंगे अगले पार्ट 14 की बहुत ही जल्द ही। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब तक मैं ईबुक में व्यस्त था, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब ईबुक फाइनल हो चुकी है तो अब आपके पास लगातार वीडियो जाएंगी। अब आपको कमेंट करके हमें बताना है टॉपिक्स की किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। और दोस्तों मिश्रा जी टेक्निकल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट भी आने वाला है, साथ ही साथ हर प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, स्टैटिक जीके जीएस की भी, और आपको डेली ऑडियो रिवीजन जो कराया जाता है वो भी सुनने को मिलेगा वहाँ पर। साथ ही साथ हर प्रकार की पीडीएफ फाइल फ्री में मिल जाएंगी और हर प्रकार की ईबुक्स भी मिल जाएंगी। तो आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल ऐप अगर आपने अभी तक नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल कर लो। मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।